अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद जुनैरा। आज मैं आप लोगों ने एक ऐसी डिश लाई हूँ जो कि बंगाली है। वो हमारे जैसे उर्दू स्पीकिंग में वो नहीं बनाई जाती, हमारी जैसे बंगाली डिश है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। उसको कहते हैं बैंगन भाजा। हमारी लैंग्वेज जैसे उर्दू लैंग्वेज में हम कहते हैं बैंगन, फ्राइड बैंगन। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपनी डिश की तरफ। लेकिन इससे पहले तो आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं और उसकी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चलिए आइए फ्राइड बैंगन बनाते हैं, यानी कि ब्रिंजल भाजा की तरफ चलते हैं। ब्रिंजल भाजा या फ्राइड बैंगन के लिए हमने बैंगन लिए हैं अलग अलग साइजेस के, ताकि आराम से हम आपको बनाकर दिखाएंगे। हम अभी बैंगन नहीं काटेंगे, पहले हम इसका पूरा मटेरियल तैयार करेंगे जो हमने इसमें लगाना है, उसके बाद फिर हम लास्ट में इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पीसेस कटेंगे। ब्रिंजल भाजा के लिए हमने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, ये देखिए 2 टेबल स्पून हमने बेसन के साथ अब हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। ब्रिंजल भाजा के लिए हमने 1/2 टीस्पून का ज़ीरा लिया है, ये देखिए पूरा 1/2 टीस्पून बन रहा है। 1/2 टीस्पून ही हम इसका, ये देखिए पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हमारा गरम मसाला नहीं था, ये हमारा ज़ीरा है भुना हुआ, हमने इसको रोस्ट किया, इसको फिर हमने पीस के इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है 1/2 टीस्पून हमने इसका लिया है गरम मसाले का। 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, ठीक है। और 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर हैगा तो आप वो डालिएगा 1/2 टीस्पून, वरना हम इसके अंदर ये देखिए 1/2 टीस्पून के हिसाब से लेमन जूस डाल रहे हैं, हमने हाथ के इसको लेमन जूस निकाला है ताज़ा, और वो हम इसमें डाल रहे हैं। वरना अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो आप डालिएगा, वो भी 1/2 टीस्पून ही डालेगा। 1/2 से भी कम हमने नमक लिया है, लेकिन 1/2 टीस्पून नहीं, कम है, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा तेज़ हो गया तो फिर हमें कम करने में मसला होगा। अगर कम हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, वो हसबे जायके के तौर पर है कि आप लोग नमक कम खाते हैं या तेज़, ठीक है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है। इसमें हमें थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही हैं तो हम इसमें अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से थोड़ी और ऐड कर देंगे, और साथ में इसमें थोड़ी सी हम कुटी हुई मिर्ची भी डाल रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कुटी हुई मिर्ची नहीं डालें। ये देखिए 1 टीस्पून के हिसाब से ही मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली है, और ये लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें डाली है, ठीक है। अब हम इसे हल्का सा टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें हम अगर नमक कम लगा तो हम नमक ऐड कर देंगे, वरना हम थोड़ा सा अगर चाहें, हमें खट्टा भी बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैं 1-2 कतरे के हिसाब से लेमन और डाल दूंगी। आप इतना ही डालिएगा, अगर आपके घर में कम खट्टा खाया जाता है या थोड़ा खट्टा, देखिए सिर्फ 4-5 मैंने कतरे इसमें डाले। अब हम चलते हैं अपने बैंगन काटने की तरफ। बैंगन पहले से काट के नहीं रखिएगा, पानी में इनको डिप करके नहीं रखिएगा, ये पानी भी पियेंगे। एक बैंगन के हाथ करने देखें, बैंगन को किस तरीके से कटिंग करना है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बैंगन को कभी भी पतले पतले बारीक बारीक फ्राई करने के लिए कटिंग नहीं करते, ठीक है। ये हम हल्का सा जहाँ से डंडी वगैरह हमने काटी थी उसको हम काट के अलग कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा कलर है इसमें। बैंगन को मोटे मोटे पीसेस ऐसे गोलाई में कटिंग होंगे, पतले नहीं काटिएगा, मोटे कटिंग होंगे। ये देखिए हमारे पीसेस सारे तैयार हैं, हमने कितने मोटे मोटे पीसेस कटिंग किए, इसी तरीके से पीसेस कटिंग करने। अब हम आपको बाकी अपने जो ब्रिंजल है हमारा कटिंग होने के बाद, बैंगन कटिंग होने के बाद, फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने इसे मसाले में लगाना है, ठीक है। ये देखिए हमने ऑयल ज़्यादा नहीं लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है। देखिए हम इसे पूरे में कर देंगे। अब ये तेल हमारा इसमें हो गया है, हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे तेल को रखना है, बिल्कुल धीमी आंच में, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। आप जैसे मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ, हमारे पास टाइम अभी शॉर्ट है तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ, मैं आपको हाथ कट करके नहीं दिखा रही।
बैंगन कटिंग करने के बाद फौरन आप इसको मसाला लगा दीजिएगा। मसाला लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बैंगन अपना पानी छोड़ता है। जब बैंगन अपना पानी छोड़ेगा तो वो पूरा मसाला उसमें चिपक जाएगा। उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। जितनी देर में हमारे तमाम बैंगन मिक्स हो जाएंगे मसाले के अंदर, बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये अपना पानी इतनी देर में छोड़ देगा। ये देखिए, ये इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। ये देखिए, हमने एक बैंगन जो आपके सामने काटा था उसी को मैंने अभी मिक्स करके हाथ के हाथ लगा के रखा है। सिर्फ लगाने लगाने में जितना टाइम लगा है 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और ये देखिए इसका पानी इसका निकल गया, मसाला हमारा चिपक गया है, ये अच्छी तरह से तर हो रहा है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता तर होता जा रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम जैसे इसको फौरन फ्राई कर रहे हैं, आप थोड़ी देर रोकिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि ये पूरी तरह से मसाला चिपक जाए, और जब मसाला चिपक जाएगा तो फिर जो मसाला है आपका फ्राई करते में हटेगा नहीं, ठीक है। पैन में हमने अपना ऑयल हल्का सा गर्म करने रखा था, बिल्कुल लाइट गर्म हो चुका है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर अपनी ब्रिंजल फ्राई करने के लिए रख रहे हैं। तेल जब आपका गर्म हो जाएगा और आप ये डालने लगेंगे, फिर आप हल्की सी आंच को तेज़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमने आराम से इसमें रख दिए हैं, ना मसाला हटा ना कुछ हुआ। अब इसको चलाना नहीं है, इसको थोड़ा एक तरफ से फ्राई होने दें थोड़ी देर के लिए। जब ये फ्राई होने लगेगा हल्का हल्का सा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसकी रंगत नीचे चेंज होती हुई महसूस होगी, आपको खुद ही दिख जाएगी। फिर आप इसको पलटिएगा। अगर आप ताज़ा ताज़ा पलट पलट के देखेंगे तो इसका मसाला फिर आपके स्पून या आप चम्मच से करें या चिमटे से करें उसमें लग जाएगा, सारा मसाला इसका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, हमने शेलो फ्राई के लिए इसको रखा था, और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो भी गए हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ आपके सामने, ये देखें। ये देखिए, पलट दिया अब हमने। एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, दूसरी तरफ से फ्राई करने के लिए हमने इसमें हल्की आँच कर दी अब नीचे, ताकि नीचे से जब ये हल्की आँच पर फ्राई होगा तो ये अंदर तक से सही से फ्राई हो जाएगा। ये तकरीबन आपका 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपके चिप्स तैयार हो जाएंगे, या क्रिस्पी फ्राइड आपके जो बैंगन है वो तैयार हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप तैयार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बैंगन के जो क्रिस्पी फ्राइड हैं, चिप्स हैं, ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, दाल चावल के साथ ये खाए जाते हैं। ये देखिए, एक तरफ से थोड़े डार्क हुए हैं हमारे, एक तरफ से हम थोड़े लाइट किए हैं। मसाला अच्छी तरह से ये इस पर चिपक गया है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं।